अब हम तहसील जोई में जो बिल्कुल गरीब हैं उनकी हमने लिस्ट बनाई, सबके घर पे पहुंच रहे हैं। हसनैन भाई हैदराबाद से जीडीसी की टीम का भाई मेरे साथ है, पूरी सिंध में मेरे साथ चल रहे हैं दिन रात, 10-10 15-15 घंटे 8-8 घंटे मेरे साथ सफ़र कर रहे हैं। अल्लाह आपको खुश रखेगा। इधर इतनी गर्मी है कि हम दिन को काम नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाँ, तो इसीलिए रात को आए। ये बेचारे मजदूरी आए ना आए, मजदूरी मालिक अल्लाह पाक दींदो, अल्लाह जी जात में परवाए खाली बचड़न के वजी मान नहीं खाना को वही नसीब अल्लाह खुश कर दी। बाबा साहब के साथ आज जोई में मौजूद है। हम अछड़ो थर भी गए, हम दूसरे वाले थर पे भी गए, हम काछू भी गए, हम जा रहे हैं। मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी जो है भूख पे नहीं सोए और राशन की डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला जारी रहे। ये काम जो है जीडीसी आप हजरात के ताउन से कर रही है। असगर खुसू भाई से हम जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। इधर बड़ी गुर्बत है, क्यों जो इधर के गरीब हैं वो मेरे को सारा पता है, किस मोहल्ले में बहुत सारी कौमों के आदमी हैं। जितना देंगे कम है, हमारी कोशिश है। हम रोज़ लेके आए, हर किसी गांव में जाएं, पूरी सिंध में जाएं, पूरी सिंध में। हम तो कहते हैं कोई हम किसी को भूख पे सोने नहीं देंगे। ये डॉक्टर रोशन थे मैं जोई तालके के, ये बड़े सोशल जो हैं डॉक्टर हैं, इनको सारा पता है कि इधर कौन भूख पे। डॉक्टर साहब आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ जेडीसी की पूरी टीम का, जो तकरीबन 7-8 घंटे का सफ़र करके भी इधर तहसील जोई में आए, जो मिस्कीन है। ये राशन जो है हम इंशाल्लाह डोर टू डोर रात के जाएंगे, किसी का गेट बजाएंगे और जीडीसी की तरफ से जो गिफ्ट होता है राशन का वो हम देंगे। पहले हम दिन को राशन देते थे, अभी हम रात को निकलते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है। बस जो भूख पे सोया हुआ है हम उसके दरवाजे बजा के उनको राशन पहुँचाएंगे। अल्लाह उनको खुश रखेगा, जो मदद करते उनको भी अल्लाह खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।